मध्य प्रदेश के रीवा में वृद्ध दंपत्ति की हत्या की गुत्थी 3 साल बाद सुलझ पाई है। मामले का खुलासा स्थानीय कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने किया है। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2019 को मऊगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत चक्रभाटी के रहने वाले 95 वर्षीय राम मिलन मिश्रा और उनकी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस को जांच में पता चला कि मृतक के पड़ोस में रहने वाले नूर मोहम्मद से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जहां हत्या के बाद आरोपी पड़ोसी फरार चल रहा था। मामले के 3 साल बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी और डीएसपी हैं, ये दोनों लोग बैठकर पुराने केसेस में एक बार स्पॉट विजिट कर रहे हैं, एक बार उसका पुनः परीक्षण कर रहे हैं, अपना ट्रेस कर सकते हैं। इसी क्रम में आज दूसरा घटनाक्रम हम लोगों ने ट्रेस किया है। 2019 में एक वृद्ध दंपत्ति की हत्या करके फरार हुए आरोपी को स्कूल ने पकड़ा है। आरोपी का नाम नूर मोहम्मद है। इसने 95 वर्षीय वृद्ध और उनकी धर्मपत्नी की हत्या 2019 में की।